अच्छा एरिया है यहाँ पे नीड करने के लिए, और मैं देखना चाहूंगा वो नीड आते ही का नीड है अभी के लिए उनके पास। जरूरत जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करते हैं, एक बुलेट का कनेक्शन जरूर उनके ऊपर होता है, लेकिन क्लच गॉड स्पॉट करते आतंकी को आपको नजर आ जाएंगे। आगे जाने की कोशिश उनकी तरफ से करी जरूर जा सकती है, बट अभी के लिए उन्होंने को पोजीशन मिल गई, आतंकी पीछे जा चुके हैं। इट इज गोइंग टू बी अ 4v4v1 बैटल। TSM का एक तरफ अभी भी बचा हुआ आतंकी को फाइनली यहाँ पे नॉक कर दिया जाता है। मैं देखना चाहूंगा कितनी ज्यादा वैल्यू निकाल सकते हैं। जंप स्पॉट करने की कोशिश आतंकी के पीछे आदित्य देखने को मिल जाता है, और कई और प्लेयर यहाँ पे नॉक पड़ा है, बट हियर यू गो आतंकी को खत्म कर दिया जाता है। क्लच को और मीनवाल अपने आप को हील करते हुए नजर आ जाएंगे। जोन का एडवांटेज था ओआर के पास, बट ये जो पुश, ये जो एडवांस पोजीशन थी, फायदा नहीं देके जाएगी। गॉडलाइक एक अच्छे चिकन की तरफ आगे बढ़ता हुआ आपको नजर जरूर आता है। साथ फिनिशर वो निकाल चुके हैं, आदित्य को भी नॉक कर दिया जाता है। अब नाउ गॉडलाइक दे आर फीलिंग इट। इट्स अ बैटल बिटवीन थ्री टीम्स जहां पे गॉडलाइक के पास है पूरा नंबर गेम एडवांटेज। स्पिरो नंबर गेम तो है, बट आप उनकी इन्वेंट्री चेक कीजिए, कुछ भी नहीं है हीलिंग एज पर्पस के लिए, लेकिन सेल अभी भी बनी हुई है, अभी भी डटी हुई है। एंड ये चीज दर्शा रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनको चाहिए चिकन डिनर। नंबर्स बन सकते हैं, बस वहां पर जो ओआर एक्सपोजर्स उनके पास भी स्पिरो नंबर्स है। 4v4v1 का सिनेरियो। TSM ब्लेस मेरे ख्याल से आखिरी खिलाड़ी था अपनी टीम की तरफ से। कोशिश काफी अच्छा TSM की द्वारा, एंड अच्छा लग रहा है कि स्पिरो उनकी तरफ से वापस देखने को मिल पा रही है। लेकिन अब लास्ट फाइट क्या यहाँ पर 4v1? जी हाँ, गॉडलाइक